नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रदीप माथुर। आज आपको मैं डिटॉक्स वाटर बनाने की कुछ विधियां बता रहा हूँ। डिटॉक्स का मतलब है बॉडी की क्लींजिंग करना, बॉडी की सर्विसिंग करना, बॉडी की ग्रीसिंग करना, बॉडी में आए हुए किसी भी प्रकार के टॉक्सिन्स को शरीर से बाहर निकालने के लिए हमें डिटॉक्स वाटर का उपयोग करना चाहिए। डिटॉक्स वाटर बनाने के लिए आपको एक चम्मच सौंफ एक ग्लास पानी में आपको उबालना है। खूब अच्छे से उसको उबालना है। जब पानी तीन चौथाई आपका उठ जाए, तीन चौथाई रह जाए, वन फोर्थ पार्ट उठ जाए, उसको डिटॉक्स वाटर कहते हैं। ऐसे ही आप सौंफ की जगह एक चम्मच साबुत धनिया वही एक ग्लास पानी में अच्छा सा उसको उबाल लें। जब वन फोर्थ उठ जाए, तीन चौथाई रह जाए, तो आपको उसको छान कर पीना है। किसी दिन आपको अदरक, जिसके अंदर जिंजीरोल होता है जो एंटी इंफ्लामेटरी का काम करता है, यदि आपको रूमेटाइड अर्थराइटिस है, आपको ज्वाइंट्स पेन रहता है, आपको नी ज्वाइंट्स पेन रहता है, आपको सर्वाइकल पेन रहता है, तो आपको अदरक का सेवन करना चाहिए। और वो आपको ऐसे ही करना चाहिए कि डिटॉक्स वाटर के रूप में उसका उपयोग करना है। ऐसे ही आप इसके अंदर तीन से चार पत्ते पुदीना के, मिंट के, आपको एक ग्लास पानी में उबालना चाहिए, छानना चाहिए और आपको उस पानी का सेवन करना चाहिए। ऐसे ही किसी तीन दिन तीन चार पत्ते आप तुलसी के पानी के अंदर उबाल सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करें तो आप किसी दिन जो है इसके अंदर आप सौंठ डाल सकते हैं, किसी दिन छोटी वाली पीपल ले सकते हैं, किसी दिन आप लौंग ले सकते हैं, किसी दिन आप काली मिर्च ले सकते हैं। आपको एक ग्लास पानी में इनको अच्छा सा उबालना है और इतना उबालना है कि पानी वन फोर्थ उठ जाए और तीन चौथाई रह जाए, तो आपको उसको छान कर पीना चाहिए। अगर आपका हमेशा कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है, हमेशा आपका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा रहता है, आपको ब्रेडीकार्डिया की प्रॉब्लम्स रहती है, आपको ट्रैकीकार्डिया की प्रॉब्लम्स रहती हो, इट मीन्स आपकी पल्स रेट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हो, पल्स रेट बहुत ज़्यादा कम हो जाती हो, बहुत ज़्यादा पल्स आपकी मिस हो जाती हो, आपको हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आपको कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको वन फोर्थ टी स्पून अर्जुन की छाल आपको एक ग्लास पानी में अच्छे से उसको उबालना है और जब वो वन फोर्थ उठ जाए, तीन चौथाई रह जाए, थ्री फोर्थ भाग रह जाए, तो आपको उसको छान कर पीना चाहिए। और अगर आप और भी अगर इससे और अच्छा स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप वन फोर्थ टी स्पून अर्जुन की छाल और एक टुकड़ा दालचीनी का सिनामंस का और एक छोटी वाली हरी इलायची, तीनों को खूब अच्छा सा साथ के साथ कूट लें और वही एक ग्लास पानी में आप इसको अच्छा सा उबाल लें और छान कर आपको उस पानी को पीना चाहिए। इससे आपका ब्लड प्रेशर भी कंट्रोल रहेगा, ब्लड शुगर भी कंट्रोल रहेगा और साथ में आपको अगर मोटापे से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और मोटापा अगर ड्यू टू कोई हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो रहा है, आपकी लैक ऑफ एक्सरसाइज की वजह से हो रहा है, या आप ओवर ईटिंग करते हो, आप बहुत ज़्यादा मेंटली डिस्टर्ब रहते हो, आप कोई डिप्रेशन की दवा खाते हो, कोई आप अस्थमा की दवा खाते हो, या कोई हार्मोनल चेंजेस आ रहे हो, आपको कोई मेनोपोजल डिस्टर्बेंसेज आ रहा हो, तो उसकी वजह से जो मोटापा चढ़ जाता है, उस मोटापे को उतारने के लिए भी आप इस डिटॉक्स वाटर का उपयोग करें। लेकिन हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है कि पानी को हमेशा भोजन की तरह खाना है और खाने को पानी की तरह पीना है। तो ये आप जो डिटॉक्स वाटर पियेंगे ना, आपको गरम गरम यानी गुनगुना यानी कोसा पानी पीना है और धीरे धीरे घूट घूट कर पीना है। और पानी हमेशा आपको बैठकर पीना चाहिए, कभी भी खड़े होकर पानी को नहीं पीना चाहिए। और पानी को जैसे जैसे आप घूट घूट कर पियेंगे ना, तो आपके मुंह के अंदर जितना भी जो सलाइवा होगा, वो सलाइवा भी ऑटोमेटिकली आपका उस पानी के साथ धीरे धीरे स्टोमक में जाएगा। और सलाइवे के अंदर जो टाइली नाम का जो एंजाइम होता है, ये हमारे एंटी कैंसरियस का काम करता है। टाइलिन जो होता है वो हमारे माल्टोज स्टार्च जो होता है उसको माल्टोज में डेक्सट्रिन में बदल देता है, उसे आपका खाना भी आसानी से पच जाता है। और इस डिटॉक्स वाटर को आपको रात को सोने से जस्ट पहले पीकर सोना चाहिए, क्योंकि जो भी आप दूध पियेंगे ना, वो तो आपको सोने के सिर्फ आधा घंटा पहले ही पीना चाहिए। सोने के वक्त तो आपको सिर्फ इस डिटॉक्स वाटर को ही पीकर सोना चाहिए। लेकिन अगर आपको दिन को अगर डिटॉक्स वाटर पीना है तो आप उसको नॉर्मल टेम्परेचर का पानी पियेंगे,
रात को आप गुनगुना पानी पियेंगे, लेकिन दिन को आपको अगर कोई पानी का सेवन करना है तो न ठंडा पीना है न गर्म पीना है, नॉर्मल टेम्परेचर का वाटर पीना है। और दिन को आपको अगर डिटॉक्स वाटर को पीना है तो उसके अंदर आप फलों का या सब्जियों का रस डालने, और आपको फिर उस पानी का सेवन करना चाहिए। इस पानी के अंदर आप नींबू डाल सकते हैं, आप किसी दिन लौकी डाल सकते हैं, आप खीरा डाल सकते हैं, आप इसके अंदर कोई मौसमी का जूस डाल सकते हैं, आप कोई संतरे का जूस डाल सकते हैं, और आपको दिन को उस डिटॉक्स वाटर को पीना चाहिए। इससे आपका जो है शरीर पूर्ण रूप से क्लीनिंग हो जाएगा, डिटॉक्स हो जाएगा, और शरीर की जितने भी सिस्टम है ओवरऑल पूर्ण रूप से अच्छी तरह से सुचारू रूप से काम करने लगेंगे, और आप हर तरह की समस्याओं से, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, चाहे ब्लड शुगर हो, कि मोटापा हो, कि कोई हार्मोनल इम्बेलेंस हो, अपने आप ही खत्म होने लगेंगे और आप पूर्ण रूप से स्वस्थ हो जाएंगे। जल ही जीवन है, और जीने के लिए जो आपको जल का सेवन करना चाहिए वो डिटॉक्स वाटर का करना चाहिए। आगे आने वाली समय में, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको जल के बारे में और अच्छी बहुत भरपूर जानकारियां दूंगा। तब तक के लिए आपका शुक्रिया, नमस्कार, धन्यवाद।